हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं गोल गले में डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। इस डिज़ाइन को आप कोई भी मेजरमेंट में बना सकते हैं। तो सबसे पहले गोल गला मैंने बकरम में यूज़ किया है, बकरम से गला काट लेते हैं। तो उसका डीप है मेरा गले का 10 इंच और उसका गेप है 5.5 इंच, तो 2.5 इंच लिया है। गला काटने के लिए इस तरह से बॉक्स की तरह बना लेंगे, ये सही तरीका है गला काटने का। उसके बाद जो गले का डीप साइड है उसको कितना गहराई लेना है आप अपने हिसाब से गहरा कर सकते हैं। इस तरह से मैंने 1 इंच अंदर इसके खोल की तरफ लिया है। अब इसे राउंड शेप देते हुए गोल गला काट लेंगे। आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली मैं हमेशा बकरम यूज करती हूँ। तो चलिए अब फिर स्टिचिंग किया, ब्लाउज पीस और अस्तर को एक साथ चिपका देते हैं। और एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देंगे और बकरम को भी अस्तर में चिपका देंगे। अब गला बनाने से पहले सबसे पहले इसमें डार्ट का निशान लगा लेते हैं। डीप नेक में है इसलिए 4 इंच का डार्ट लगाएंगे और गले का गेप जितना बकरम में काटे हैं उतना ही कपड़े में भी रखेंगे, 5.5 इंच मतलब 2.75 इंच। और उसमें थोड़ा छोटा सा टक्स काट लेंगे और सेंटर में भी एक कट लगा देंगे। बकरम को अस्तर से चिपका लिया है, उसे किनारे किनारे इस तरह से मोड़ लेंगे। इसमें भी एक सेंटर में निशान लगा लेंगे और दोनों पीस का और गले का दोनों का सेंटर मिलाते हुए एक लंबी सिलाई लगाएंगे। अब फिर जो छोटा सा कट लगाए थे उसमें से किनारे से लगाते हुए बकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। इस तरफ जो तो कट लगाए थे उसको मिलाते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। 5 इंच छोड़ते हुए इसको पूरा कट के निकाल लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि आसानी से मुड़ सके। अब किनारे में सिलाई लगाना है तो बकरम को उल्टा तरफ से मतलब गले को जो बनाए हैं उसे उल्टा करते हुए रखते हुए इसमें किनारे से सिलाई लगानी है। अब इसमें लगाएंगे पाइपिंग। गले में डिजाइन बनाए उससे पहले डार्ट लगा लेते हैं। पाइपिंग के कपड़े के लिए मैंने पहले से मोड़ लिया है। अब इसे पीस ब्लाउज के पीस को उल्टा रखते हुए इसमें कि जहाँ पर सिलाई लगाए थे किनारे किनारे वैसे ही उसी सिलाई में पाइपिंग का सिलाई लगाते हुए बनाएंगे। बकरम में गला बनाने के बाद इसमें पाइपिंग लगाते हैं ना, तो बहुत ही पतला और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है। आप देख सकते हैं इस तरह से जितना बारीक सिलाई पकड़ेंगे उतना ही बारीक इसकी पाइपिंग बनती है। इसका पाइपिंग कंप्लीट। अब इसमें डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन बनाने के लिए मैंने एक पट्टी ली है, इसको बनाएंगे 1.25 इंच के करीब की पट्टी बनाएंगे।
पलटी करने के बाद में एक आयरन से इसे फ्रेस कर लेंगे। सेंटर में निशान लगाएंगे। दो इंच के करीब इसमें पट्टी को लगाते जाएंगे। दो इंच का पट्टी काट लेंगे। जहां सेंटर में निशान लगाए थे वहीं से लगाते जाएंगे पट्टी को। सबसे पहले कलर की तरफ लगाएंगे। एक के बाद एक सटाते हुए लगाते जाएंगे। अब पाइपिंग को दिखना चाहिए। अगर ढक रहा है तो इसी तरह से छोटे छोटे कटिंग करके निकाल देंगे। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है तो अब 2 इंच में निशान लगा लेंगे और उसी हिसाब से सिलाई लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे फिर काट के निकाल लेंगे। ये हो गई यहाँ पर सिलाई पूरी। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट लेना है। गले के किनारे किनारे हम एक लेस यूज करेंगे। गले के किनारे किनारे ही लगाना है ताकि पाइपिंग अलग से उभरे। लेस लगाने के बाद देख सकते हैं कि पाइपिंग अलग से दिख रहा है इसका। और उसी तरह से जहां से सेंटर से इसका पट्टी लगाए थे वहां से भी एक लेस लगा देंगे। जो पट्टी है वो ढक जाएगा। फिर एक साइड के लिए मैंने पट्टी बनाई है। अब पट्टी का कई बार मैं ब्लाउज में डाल चुकी हूँ, आप देख चुके हैं, इसलिए आज पट्टी का वीडियो नहीं बनाई हूँ। लंबा हो जाता है नहीं तो ऐसे में वीडियो। इस तरह से आधे में लगाते हुए गले से होते हुए कमर तक के ले आएंगे। उसमें डबल सिलाई लगा देंगे। अब दूसरी पट्टी लगा देंगे। 5 इंच का गैप छोड़ते हुए उसी हिसाब से उसी लाइन में फिर लगाना है। इसमें भी डबल सिलाई लगा देना है। ये हो गया हमारा डिजाइन तैयार। अब जो पट्टी बनाए हैं उसमें मोती टांगना है। इसे बो की तरह दिखाना है तो उसके लिए सुविधा का से बांधना पड़ेगा और साथ साथ में एक मोती लगाते जाएंगे। अब देख सकते हैं किस तरह से मैं इसमें मोती लगा रही हूँ। इस तरह से बांधते जाना है और एक मोती लगाते जाना है। बांध लिया है। दूसरे नंबर भी देखिए इस तरह से बांध रही हूँ मैं। इसी तरह से सभी पट्टी को दो का आकार देते हुए एक मोती लगा देना है। मेरा कंप्लीट हो गया, पूरा मोती लग गया। आप चाहे तो इसमें डोरी लगा सकते हैं।
या तो फिर बिना डोरी का भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है।